और इसका जो रेडियंस कट आई है वो हम आपको दिखा देते हैं, वो भी शानदार है। छोटे से एरिया में ये कट जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको वेट मिल जाता है जो कि 90 से 100 केजी के बीच में आपको वेट मिलता है, जिससे कि फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होती है। जो पंप है वो आपको डबल पंप आपको मिलने वाला है। इसमें आपको एक पावर स्टेयरिंग का और एक इसमें हाइड्रोलिक का पंप आपको मिलता है। वाटर कूल्ड इंजन है, इसमें आपको बड़ा सारा रेडिएटर आपको मिलता है, जिससे कि आगे से पर्याप्त मात्रा में हवा जाती है और इंजन जो है बैटर कूलेंट सिस्टम के साथ में वर्क करता है। ड्यूल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलती है जो कि बैलेंस टाइप में वर्क करती है, काफी स्मूथ तरीके से वर्क करने वाली है। इसका जो आगे के टायर है वो आपको 750 का मिल जाता है, आगे के जो टायर है, और पीछे के जो टायर है आपको मिल जाते हैं 14/9/28 के टायर आपको मिल जाते हैं। क्लीनर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3-स्टेज वेट एयर क्लीनर मिल जाता है, आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमरजेंसी ब्रेक आपको इसमें मिल जाते हैं, जो पुश पैडल के साथ में आपको मिलने वाले, जो गाड़ियों में जो पैडल आते हैं वो पैडल आपको इसमें मिलने वाला है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू शानदार वीडियो में। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं एग्रोटेक। आज हम 47 HP श्रेणी के ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं और ये किसानों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है ये जो ट्रैक्टर है, और ये 4 सिलेंडर में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। इसके अंदर आपको इनलाइन पंप मिलता है जो कि बॉस्को का है, और बॉस्को को ही आपको इसमें डीजल फिल्टर मिलता है जो कि सिंगल है, और इसमें आपको जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो 12 वोल्ट और 2 kW की आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है। बात करते हैं इसके कूलेंट की, तो ये वाटर कूल्ड इंजन आता है। इसके इंजन जो है वाटर कूल्ड इंजन है, इसमें आपको बड़ा सारा रेडिएटर आपको मिलता है, जिससे कि आगे से पर्याप्त मात्रा में हवा जाती है और इंजन जो है बैटर कूलेंट सिस्टम के साथ में वर्क करता है। तो हम जिस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं वो महिंद्रा की तरफ से आने वाला भूमिपुत्र महिंद्रा 575 DI XV प्लस ट्रैक्टर है, जो कि मोटी पट्टी में आप इसकी बैजिंग देख सकते हैं। आपको इसमें राइट साइड में बैजिंग मिल जाती है और सामने का आपको इसमें डेडिकेटेड लुक मिल जाता है। आप देख सकते हैं आगे की तरफ इसमें ग्रिल जाली आपको मिल रही है, मिल जाता बीच में महिंद्रा का लोबो आपको मिल जाता है। दोनों तरफ आप में इसमें हेलोजन हेडलाइट आपको मिलती है और शानदार लुक के साथ में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। इसमें बम्फर नहीं लगा हुआ है, लेकिन कंपनी फिटेड ही आपको बम्फर मिलेगा। और आप लेफ्ट साइड में भी आप महिंद्रा 575 DI XP प्लस की बैजिंग आप देख सकते हैं, और इसमें आपको 6 साल की वारंटी या 6000 घंटे का आपको इसमें वारंटी मिलती है। भूमिपुत्र ये ट्रैक्टर शानदार ट्रैक्टर है, महिंद्रा 575 जो कि किसानों का मनपसंद ट्रैक्टर है, कम डीजल खाता है और ज़्यादा काम करता है ये ट्रैक्टर। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ गियर की, तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं जो कि फुल्ली कॉन्स्टेंट में इस गियर हैं और ये सेंटर शिफ्ट किए हुए हैं। और जो इसका कूलेंट बॉक्स है वो रेडिएटर में ही आपको मिल जाता है, 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स यहाँ पे मिलता है। ये आपको सिंगल पीस बोनट मिलता है इस ट्रैक्टर के अंदर। और अगर हम बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलती है जो कि बैलेंस टाइप में वर्क करती है, काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क करने वाली है। वहीं अगर बात करें हम इसके एक्सल की, तो इसमें आपको हैवी ड्यूटी मुड़वा एक्सल आपको मिल जाता है, जिससे इसकी रेडियंस कटाई है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। छोटे से एरिया में ये ट्रैक्टर कट जाता है। यदि हम बात करें इसके वेट की, तो इसमें आपको नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इसमें आपको वेट मिल जाता है जो कि 90 से 100 केजी के बीच में आपको वेट मिलता है, जिससे कि फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होती है इस ट्रैक्टर के अंदर। इसमें बम्पर आपको मिल जाता है, कंपनी फिटेड ही मिलेगा, इसमें लगाया हुआ नहीं है, और कंपनी फिटेड जो बम्पर मिलेगा वो आपको 75 से 80 kg का मिलेगा, जिससे कि फ्रंट लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि हम बात करें इसके और फीचरों की, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं इसके पंप की, तो इसका जो पंप है वो आपको डबल पंप आपको मिलने वाला है। इसमें आपको एक पावर स्टेयरिंग का और एक इसमें हाइड्रोलिक का पंप आपको मिलता है, जो कि 32 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करता है, जिसकी इसकी हाइड्रोलिक और पावर स्टेयरिंग है, स्मूथ तरीके से वर्क करती है। और इसका जो फिल्टर है, हाइड्रोलिक का जो फिल्टर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा सारा प्लेस किया हुआ है फिल्टर, जिससे इसकी फिल्ट्रेशन है वो ज़बरदस्त हो जाती है इस ट्रैक्टर की। और एक फिल्टर नहीं, आपको इसमें 2 फिल्टर आपको मिल जाते हैं, एक नीचे की तरफ प्लेस किया हुआ है इसका फिल्टर, आप देख सकते हैं। तो इसकी जो फिल्ट्रेशन है वो और भी ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है।
उसके बाद में हम बात करते हैं इसके और फीचरों की, तो आप बने रहिए चैनल पे। तो हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटर की। तो 12 वोल्ट और 75 एम्पियर का आपको अल्टरनेटर मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके और फीचरों की, तो इसकी में आप देख सकते हैं इसका जो इंजन ऑयल फिल्टर है वो यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, लटक हुआ है। और क्लीनर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 स्टेज वेट एयर क्लीनर मिल जाता है, जो कि शानदार है। और ये इसमें पहले सट के आता था, अब 2023 में इसमें ये साइड में दिया है, को साफ करने में आसानी हो जाती है, पहले खोलने में दिक्कत आती थी। तो इसकी जो बैटरी है वो आपको एक्साइड की बैटरी आपको मिल जाती है, जो कि इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी है। और ये आपको हैवी ड्यूटी आपको मिल रही है जो बैटरी है, और ये आपको 88 AH की बैटरी आपको मिल जाती है, जो काफ़ी शानदार बैटरी आपको मिलने वाली है 88 AH में। हम बात करते हैं इसके ब्रेक की, तो इसमें आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमरजेंसी ब्रेक आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जो पुश पैडल के साथ में आपको मिलने वाले, जो गाड़ियों में जो पैडल आते हैं वो पैडल आपको इसमें मिलने वाला है। आप इसमें रेस पैडल यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, और रेस लीवर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। तो ये ट्रैक्टर शानदार आपको मिलने वाला, भूमिपुत्र के नाम से ये ट्रैक्टर आता है। और मफलर आप देख सकते हैं, साइलेंसर में आपको मफलर देखने को मिल जाता है कि, तो इसका जो आगे के टायर है वो आपको 750 का मिल जाता है आगे का जो टायर है। और ये जो टायर है आपको C8 का मिलने वाला है, पीछे के जो टायर हैं वो आपको C8 का ही मिलने वाला है। और ये जो टायर हैं आपको मिल जाते हैं 14/9/28 के टायर आपको मिल जाते हैं पीछे के। फिर हम बात करते हैं इसके फुट स्टेपर की, तो आप देख सकते हैं चेचिस में इसको इनबिल्ड किया हुआ है फुट स्टेपर को। और इसमें जो पायदान है वो नीचे की तरफ प्लेस किए हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे होल दिए हुए हैं, जिससे कि पटलिंग करते समय आपका पैर फिसले ना, उसका पूरा ख्याल रखा है। उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं क्लच की, तो इसमें आपको जो क्लच है वो डुअल क्लच आपको मिलती है, जो कि पुश पैडल के साथ में है। वहीं अगर हम बात करें इसके पीटीओ के लीवर की, तो आप पीटीओ का लीवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, MS PTO यानी मल्टी स्पीड पीटीओ लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इसमें 2 लीवर आपको मिलते हैं, एक फॉरवर्ड का है, एक न्यूट्रल का, और एक आपको रिवर्स का है, यानी कि इसमें रिवर्स पीटीओ भी आपको मिलने वाला है। तो 2 लीवर आपको इसमें मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में। वहीं अगर हम इसकी सीट की बात करें, तो इसमें आपको मल्टी एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, मल्टी एडजस्टेबल, आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि स्मूथ ड्राइविंग के लिए काफ़ी शानदार है। उसके बाद में इसमें आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जर जैसी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 12 वोल्ट की है, और यहीं पे आप अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं। तो ये शानदार फीचर आपको इसी ट्रैक्टर में मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं बात करते हैं। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं RPM यहाँ पे शो करेगा, कितने घंटे ट्रैक्टर चला है वो यहाँ पे शो करेगा, टेम्परेचर क्या है वो यहाँ पे शो करेगा, और आपका फ्यूल कितना है वो यहाँ पे शो करेगा। चलिए ट्रैक्टर का साउंड हम आपको चेक करा देते हैं, कैसा साउंड है ट्रैक्टर का। तो शानदार साउंड है ट्रैक्टर का, आप देख सकते हैं। और इसका जो रेडियंस कट आई है वो हम आपको दिखा देते हैं, वो भी शानदार है, छोटे से एरिया में ये कट जाता है, आप देख सकते हैं। ये आपने देखा कितना कटता है ट्रैक्टर, और एक हाथ से मैं स्टीयरिंग को घुमा रहा हूं, तो स्मूथ ड्राइविंग कर सकते हैं आप ट्रैक्टर की। तो इसका जो रेडियंस कट आई है वो ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है किसान भाइयों। तो अब हम ट्रैक्टर को कर देते हैं ऑफ। तो आपने देखा इसका जो साउंड है वो कितना ज़बरदस्त है इस ट्रैक्टर का। और इसकी जो डीजल टैंकी है वो आपको 55 लीटर की डीजल टैंकी आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। तो ये शानदार फीचर आपको इसी ट्रैक्टर में मिलने वाले हैं किसान भाइयों। वहीं अगर हम DC और PC लीवर की अगर हम बात करें, तो आप राइट साइड से DC और PC लीवर की सेटिंग करेंगे, आप अपने तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये शानदार ट्रैक्टर है। CR PTO की आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है, डुअल क्लच की आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है, दोनों तरफ आपको इसमें फंडर में आपको देख सकते हैं, पैसेंजर ग्रिप हैंडल आपको मिल जाते हैं, और पार्किंग और ब्रेक इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाते हैं आगे की तरफ फंडर में, MKM की बैजिंग आपको मिल जाती है। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इसके अन्य फीचरों की। तो हम आ गए हैं पीछे की तरफ,
और पीछे की तरफ हम बात करते हैं इसके पीछे के एक्सल की, रियर एक्सल की, तो हैवी ड्यूटी आपको इसमें रियर एक्सल मिलता है जो काफ़ी हैवी है और लंबे समय तक चलता है। वहीं अगर हम बात करें इसके लिंकेज की, तो हाइड्रोलिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार की, तो थ्री लिंकेज के साथ में इसमें आपको हाइड्रोलिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार मिल जाता है जो कि शानदार आपको इसकी सेंसिंग मिलने वाली है महिंद्रा की। उसके बाद में हम पीटीओ की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको पीटीओ है वो आपको 42 की आपको मैक्सिमम पीटीओ पावर मिलती है जो कि मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ जैसे फंक्शन इसमें मिलते हैं जो कि गियर से ऑपरेट होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 1480 केजी की हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिलती है इस ट्रैक्टर के अंदर। शानदार ट्रैक्टर है किसान भाइयों। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको बीच में ही, मिड में ही आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इसमें आपको 2 लीटर का कैरियर बोटल आपको यहाँ पे मिलता है जो कि बीच में प्लेस किया हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके हैंड ब्रेक की, तो फंडर में आपको इसमें हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके हैलोजन हेडलाइट की जो बैक में है, और ये हैलोजन हेडलाइट आपको बैक में मिलती है विजिबिलिटी के लिए, रात को विजिबिलिटी के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। और इसमें आपको पार्किंग और ब्रेक इंडिकेटर मिलते हैं फंडर में दोनों तरफ, और शानदार ट्रैक्टर है ये। पीछे का लुक मैं आपको इसका ट्रैक्टर का दिखा देता हूँ, पीछे का जो लुक है वो शानदार लुक आपको मिलने वाला है इस ट्रैक्टर का, तो आप देख सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा किसान भाइयों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। महिंद्रा 575 DI XB+ भूमिपुत्र जो कि शानदार ट्रैक्टर है।